मंदसौर में मंडी 16 दिनों से बंद थी। 16 दिन बाद जब मंडी खुली तो किसानों को बारिश के चलते भारी नुकसान उठाना पड़ा। एक घंटे की बारिश ने किसानों के करीब 100 क्विंटल से अधिक लहसुन भिगोकर खराब कर दिए। बारिश से पूरी मंडी में जल भराव हो गया। मंदसौर में पहले व्यापारियों की हड़ताल और फिर मंडी कर्मचारियों की हड़ताल के चलते कृषि उपज मंडियां पिछले 16 दिनों से बंद थी, लेकिन 16 दिन बाद जब मंडी खुली तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अचानक शाम 5 बजे बारिश शुरू हुई, जो कि लगातार एक घंटे तक हुई। लहसुन की उपज बरसात के तेज बहाव में बहकर चली गई, तो वहीं करीब 16 क्विंटल से अधिक की लहसुन भीगकर खराब हो गई। बारिश के कारण जल प्रभाव हो गया, जिसके चलते धान मंडी में पंप हाउस के 4 पंप चलाने पड़े। और यहाँ पर मंडी प्रशासन की पूरी लापरवाही है। हमने उनको सुबह में वहाँ गेट पे जाके बोला था कि सर माल आप छपरे में से पहले मंडी चालू करवा दो, पानी की समस्या है। 3 बजे नेट भी पानी बता रहा है, वो बोल रहे हैं कि पानी कोई नहीं आएगा, पानी आएगा तो कि हम से निपट लेंगे। हमने फिर उनको दोपहर बाद बोला कि भाई आप ऊपर के बंद करवा के हमारी पहले नीचे की करवा दो, उन्होंने कोई भी चालू नहीं करा, हमारी बात ही नहीं सुन रहे। रात की वहां से 11 बजे अंदर के लाया और 4 बजे रात 4 बजे आ गया था और सुबह 6 बजे गेट खोले, गेट खोलने के बाद अंदर आ गया। अंदर आने के बाद यहाँ गाड़ी खाली कर, 2 गाड़ी लाए, 2 पिकअप लाया था मैं, तो यहाँ खाली कर दी। और 4 बजे लीलाम आए, बिक गया और 4:30 बजे पानी आया, जो एक पिकअप का कट्टा भरा है मेरे से, एक कट्टा नीचे डाल सारा ढेर बिक गया। अरविंद खटीक नाम है मेरा, छपड़ा खाया हूँ रायगढ़ जिले से। क्या हुआ आपके साथ, कब लाए थे आप लहसुन? ये लहसुन सुबह लेके आया था, 110 कट्टे थे और माल भी बिक चुका था, पर्ची भी कट चुकी थी, मगर अचानक बाद में पानी आने से हमारा 50 कट्टा करीब माल बेच चुका। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।